Hello guys, welcome to UnAcademy YouTube channel. Good evening Fija. कैसे हो भाई सब? I hope all are good. Good evening, Pooja. Good. I'm also good, Fija. चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी. ठीक है, आज हम करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में. यह आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो थर्ड यूनिट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, लाइक इंट्रैक्शंस वगैरह से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रैक्शन वगैरह से. ठीक है, आपका स्पीसीज टू स्पीसीज इंट्रैक्शन. गुड इवनिंग जोयल. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो गाइस, अभी अगर आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, तो आपको अभी 2 कोर्सेज मिलेंगे मेरे. ठीक है, एक तो कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 2. ठीक है, एंड सेकंड है आपका कोर्स ऑन एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 तो MCQs. ठीक है, तो अभी 2 कोर्सेज चले हुए हैं आपके. एक तो आपका कंप्लीट कोर्स चला हुआ है, एक आपका एमसीक्यूज कोर्स चला हुआ है. ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आप कंप्लीट पेपर 2, ठीक है, एंड पेपर 1 के भी काफ़ी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं. नवदीप मैम, तलवीर सर, ठीक है, सौम्या मैम, काफ़ी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जो आपका कंप्लीट पेपर 1 करा देंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करा देंगे. ठीक है, एंड पेपर 2 के लिए आप कंप्लीटली मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो. मैं आपको कंप्लीट पेपर 2 विद एक्सपेक्टेड MCQs वगैरह कराऊंगी. ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह. हेलो नवीन. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नेट JRF के लिए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो, तो आप 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो. ज्योति धिया मेरा रेफरल कोड है, JYOTIDAHIY. ठीक है, ज्योति धिया मेरा रेफरल कोड है फॉर 10% डिस्काउंट. उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट बैच के लिए प्रिपेयर कर रहा है गाइस, तो आपको भी पता है अभी तो आपके फॉर्म भी नहीं निकले हैं. ठीक है, तो 6 मंथ तो कम से कम लग ही जाएगा आपका. 6 मंथ से पहले तो आपका एग्जाम होना ही नहीं है, तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है आप लोगों के लिए. ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम है, देखो 9450 में, और 10% डिस्काउंट के बाद तो आपको 8500 में पड़ेगा. ठीक है, तो 8500 आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए दे रहे हो, तो आप वो ये काफ़ी अफोर्डेबल है ना, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले आपको 30-40,000 आपके लेते हैं सिर्फ एक बैच के लिए, 3 to 4 मंथ के लिए, और वो भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता. एंड दोबारा आप इनरोल करोगे तो आपको दोबारा से फी पे करनी पड़ेगी. तो ये अनअकैडमी आपका सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है नेट के लिए. गुड इवनिंग पूजा. हेलो किलोनी. गुड इवनिंग किलोनी. चलिए स्टार्ट करें. ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी होती क्या है. ठीक है, कम्युनिटी बनती किससे है आपकी. ठीक है, तो सबसे पहले आपका population of a single species can't survive by itself because there is interdependence of one form of life on another. आपको भी पता है कोई भी सिंगल स्पीसीज, कोई भी सिंगल पॉपुलेशन है, वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकती. ठीक है, सभी इंडिविजुअल, सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, तो इसलिए क्या चाहिए, इसलिए आपका ग्रुप ऑफ स्पीसीज से पॉपुलेशन बनता है, एंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से देन कम्युनिटी बनती है. तो इसलिए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है आपकी. ठीक है, तो अगर हम बात करें बायोटिक कम्युनिटी की, तो बायोटिक कम्युनिटी होती क्या है आपकी. आपकी बायोटिक मतलब आपका लिविंग विंग की बात करें, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो आपका. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल्स इन अ पॉन्ड और लेक कंस्टिट्यूट वन बायोटिक कम्युनिटी. ठीक है, तो ये आपका बायोटिक कम्युनिटी हो गया आपका. उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके अलावा 2 मेजर टाइप की कम्युनिटी है आपकी, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। मेजर क्या होता है आपका, जो सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, ठीक है। लार्ज कम्युनिटी वो होती है जो सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है और इंडिपेंडेंट यूनिट होती है आपकी, ओके। और इस मेजर कम्युनिटी में आपका एक से ज़्यादा माइनर कम्युनिटीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ माइनर कम्युनिटीज़ आपकी मिला के मेजर कम्युनिटी बनाती है, ओके। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करो तो जैसे जितने भी बड़े बड़े बायोम है आपके या फिर कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मेजर कम्युनिटीज़ लाइक पोन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ईच ऑफ दीज मेजर कम्युनिटीज़ इंक्लूड सेवरल माइनर कम्युनिटीज़। बहुत सारी माइनर कम्युनिटीज़ मिलके क्या बनाती है, आपकी मेजर कम्युनिटी बनाती है। उसके बाद आपकी माइनर कम्युनिटी होती है छोटे लेवल पे और जो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती और ये डिपेंड होती है दूसरे कम्युनिटीज़ पे एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे आपका माइक्रोबियल कम्युनिटी है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई की पॉपुलेशन जो आपकी, तो ये छोटे लेवल पे है आपकी, ठीक है, जो आपका दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है सर्वाइव करने के लिए। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ माइनर कम्युनिटीज़, ठीक है। तो उसके बाद है आपका, गुड इवनिंग खादीजा, गुड इवनिंग सुभाष। फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें गाइस तो यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, लैंडस्केप, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या बताता है आपको, स्ट्रक्चर बताता है आपको डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज के बारे में, ठीक है, कि कोई भी स्पीसीज है उसका नंबर कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, और वो कितना अबंडेंट है, कितना डोमिनेट करता है, कितना अबंडेंट है वो आपका, वो होता है आपका स्ट्रक्चर में। देन आपका डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या बताता है आपका, कौन सी स्पीसीज डोमिनेंट करती है, ठीक है। मान लो आपके पास 50 इंडिविजुअल है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के, एक स्पीसीज का नंबर है आपका 35, ठीक है, और बाकी कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है, तो आपका अबंडेंट कौन सा हुआ, अबंडेंट आपका दिस वन हुआ ना, 35 वाला हुआ। गुड इवनिंग रितुजा, आयुष। तो ये हो गया आपका, क्या बताता है, डोमिनेंट स्पीसीज के बारे में बताता है। उसके बाद है आपका पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बताता है आपका वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताता है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के अंडर आता है आपका, जैसे उसमें ग्रोथ सेक्शन होता है, ठीक है, रिस्पिरेशन भी होता है, रिप्रोडक्शन फेज भी आता है और डोरमेंसी भी आता है आपका, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस, ये सारे फेज आपका क्या होता है, आपकी पीरियोडिसिटी में आता है, ठीक है। ये आपके सारे जितने भी रेगुलर इंटरवल पे जो भी प्रोसेसेस होती है आपकी, वो सारे आपकी पीरियोडिसिटी में आती है। उसके बाद है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब आपका लेयर में डिवाइड हो जाती है, जैसे अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें या किसी भी फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें लेयर्स में डिवाइड हो जाता है ना, कि जो आपका फॉरेस्ट है वो आपका लार्ज कैनोपी, टॉल ट्री, देन फिर स्मॉल ट्रीज एंड हर्ब्स, देन शर्ब्स, इस टाइप की स्ट्रेटा में कन्वर्ट हो जाता है, कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपके बड़े बड़े ट्रीज आएंगे, वुडलैंड वाला, देन उससे छोटे आपके प्लांट्स आएंगे, देन आपके हर्ब्स आएंगे, देन आपके शर्ब्स आएंगे, देन आपकी ग्रासेस आएंगी। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, एक लेयर्स में डिवाइड हो जाता है आपका, ठीक है, लेयर्स में डिवाइड हो जाता है आपका। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद है इकोटोन एंड एज इफेक्ट। तो इकोटोन क्या होता है आपका, इकोटोन होता है आपका ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है, सेपरेटेड, ये आपकी होती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में क्या ट्रांजिशन जोन होता है, जो ट्रांजिशन जोन है जो भी आपका, उसको बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। तो ये क्या बताता है आपको, ये आपका मार्जिनल जोन भी बोलते हो, दीज आर मार्जिनल जोन एंड ईजिली रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, इनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो वेटलैंड, वेटलैंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ इकोटोनल एरिया, ठीक है। तो इकोटोनल एरिया में आपका एज इफेक्ट देखने को मिलता है। एज इफेक्ट क्या होता है आपका, जो एजेस पे जो आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके एज इफेक्ट, ठीक है, जो आपकी जो भी आपकी स्पीसीज वगैरह में कितनी वैरायटीज़ हैं, कितने नंबर है आपका स्पीसीज के, वो अप एंड डाउन हो रहा है, तो ये जितना भी आपका इफेक्ट देखने को मिलता है वो एजेस पे होता है। तो ये इसको आप क्या बोलते हो, एज इफेक्ट बोलते हो, ठीक है। ये आपके मेनली इकोटोनल एरियाज में आते हैं आपके। उसके बाद है आपका इकोलॉजिकल निश। निश मतलब क्या होता है आपका, फंक्शन, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, प्लांट है, वो अलग अलग फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन करते हैं वो। तो अगर हम बात करें अलग अलग फंक्शन करेंगे तो वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर किसी भी एरिया में अगर हमारा निश्च सेम हो जाए, मतलब इंडिविजुअल या आपके ऑर्गेनिजम्स जिनका निश्च सेम हो, जिनके फंक्शन सेम हो, अगर वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है तो वो वहाँ पे एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों सर्वाइव नहीं कर सकती? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी, ठीक है, उनको सेम रिसोर्सेज की नीड होगी, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। और अगर सेम नीड होगी तो उनके बीच में फिर कंपटीशन होगा, ठीक है। लाइक अस, जैसे हम लोग क्या होते हैं, सेम फील्ड के स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है ना, जैसे आप लोगों में जेआरएफ के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो ये है आपका इकोलॉजिकल निच का एग्जाम्पल। देन है आपका इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन। इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ टू और मोर स्पीसीज ग्रोइंग टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन इन रेगुलर अकरेंस, ठीक है। मतलब इंटरस्पेसिफिक मतलब होता है कोई भी दो और दो से ज़्यादा स्पीसीज है, अगर वो एक साथ ग्रो करती है रेगुलर अकरेंस में तो आपका बताता है इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन, ठीक है। देन आपका कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आपका बायोमास प्रोडक्शन को बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन को बोलते हैं आप, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्शन इकोलॉजी, ठीक है, प्रोडक्शन इकोलॉजी। अगर हम बात करें द नेट प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय अ कम्युनिटी पर यूनिट टाइम और एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि आपका पर यूनिट एरिया और टाइम में नेट आपका प्रोडक्शन ऑफ बायोमास है वो कितना हो रहा है किसी भी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया आपका कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद है आपका बायोटिक स्टेबिलिटी। बायोटिक स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है आपका, द बायोटिक कम्युनिटी हैज़ द एबिलिटी टू क्विकली रिगेन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जैसे आपने सक्सेशन पढ़ा था, ठीक है, सक्सेशन वगैरह टाइप में आपका सेकेंडरी सक्सेशन जो आपने पढ़ा था कि कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, अगर वो आपका ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर आपका अगर वो डिग्रेड हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है वो क्विकली अपने आप को रिक्लेम कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सॉइल एग्जिस्ट करती है तो उनमें रिगेन करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही बायोटिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, उनके अंदर एबिलिटी होती है इक्विलिब्रियम रिगेन करने की, ठीक है, किसी भी डिस्टर्बेंस से जब पॉपुलेशन है वो आपकी फ्लक्चुएट करती है उससे, तो ये होती है आपकी बायोटिक स्टेबिलिटी। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज इट कंटेन, दैट इज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज है आपके किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, तो ये होता है आपका बायोटिक स्टेबिलिटी। देन उसके बाद गाइज आपका है टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो कम्युनिटी के बारे में अगर आप बात करते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका नॉर्मल आपका कम्युनिटी एंड इट्स कॉन्सेप्ट आपका वहीं तक था। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी का टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो गाइज अगर हम बात करें टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट का, तो आपके जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं। फर्स्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, आपके कोई भी दो स्पीसीज होती है तो दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है, पॉजिटिवली बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम इंट्रैक्शन, तो पॉजिटिव साइन है, ये आपका बेनिफिट को शो करता है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म में पॉजिटिव है, ये आपका बेनिफिट को शो करता है। और आपका फिर है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म आपका पॉजिटिव एंड जीरो को शो करता है। जीरो मतलब नाइदर बेनिफिट नोर हार्म, ना तो हार्म हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव आपका बेनिफिट हो रहा है, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना बेनिफिट ना आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। देन आपका न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या आपका दोनों को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन डू नॉट अफेक्ट वन अनदर इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलिज्म। फिर है आपका अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता आपका, ठीक है। देन आपका प्रीडेशन। जैसे प्रीडेशन में अगर हम बात करें प्रीडेटर और प्रे, लोटका वोल्टेरो मॉडल हम जो पढ़ते हैं वो प्रीडेशन के ही बारे में। प्रीडेशन में प्रीडेटर क्या करता है, आपका प्रे को किल करके उस पर फूड के लिए डिपेंड करता है। देन है आपका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी पैरासाइट होता है, होस्ट होता है, पैरासाइट होस्ट को इफेक्ट करता है आपका, ठीक है। तो दोनों में देखा जाए तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। देन आपका कंपटीशन। कंपटीशन में अगर सेम निश की स्पीसीज है आपकी तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगी और दोनों को नेगेटिव हार्म होगा, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है आपका 1 by 1 हम विद एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो गैस एग्जाम्पल्स आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल्स याद कर लेना। फर्स्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बना लेता है आपका, ठीक है, दोनों आपका क्या होता है डिपेंडेंट करते हैं एक दूसरे पे सर्वाइव करने के लिए। बोथ स्पीसीज आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अगर हम बात करें जो इंट्रैक्शन है पॉजिटिव इंट्रैक्शन, वो आपका दो तरीके का होता है, एक तो ऑब्लिगेट एंड आपका एक फैकल्टेटिव। तो आपका जो ऑब्लिगेट है वो क्या होता है कि जो स्पीसीज जिसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, उन वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्लिगेट टाइप का। देन आपका फैकल्टेटिव कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब म्यूचुअलिज्म आपका कौन सा ऑब्लिगेट टाइप का है आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्लिगेट टाइप का है। देन आपका एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक राइजोबियम, माइकोराइजा, सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट, एनिमल, जू क्लोरिला, जू जेंटिला। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, प्लीज़ एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लेना, आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म में आपका जीरो और पॉजिटिव, एक को कोई हार्म बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा, दूसरे को क्या हो रहा है पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल फिजा लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट। देन कॉमनसलिज्म में क्या होता है इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज आपका, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है आपके ऑर्किड, ठीक है, जो आपका एज अ एपीफाइट ग्रो करता है और मैंगो ट्री। इसमें क्या करता है गाइस जो एपीफाइट है ना वो मैंगो ट्री के सरफेस पे ग्रो करता है, ठीक है, सॉइल में ग्रो नहीं करता, ऑन द सरफेस ऑफ मैंगो ट्री आपका सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। तो इसमें देखा जाए तो एपीफाइट को क्या हो रहा है, एपीफाइट को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है मैंगो ट्री से, लेकिन जो मैंगो ट्री है उसको ना तो बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है। तो ये आपका क्या है कॉमनसलिज्म। देन अ बर्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल, then sea anemones has a stinging tentacle and the clone fish lives among them. Then आपका climbers and lianas such as Boinia, Tinospora etc. which are rooted in the soil but climb over large trees. Then आपका जो orchid है, epiphyte है, जो climbers है lianas, इन दोनों में यही difference होता है कि जो orchid है वो on the surface of other plant grow करता है and आपका climbers है वो आपका soil में grow करता है, ठीक है, soil में grow करता है। तो ये हो गया आपका कॉमनसलिज्म। देन आपका प्रोटोकोपरेशन। प्रोटोकोपरेशन होता है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब जो प्रोटोकोपरेशन है गाइस ये क्या होता है, ये आपका फैकल्टेटिव टाइप का होता है, फैकल्टेटिव, ठीक है, ये आपका ऑब्लिगेट नहीं होते आपके, ये एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक क्रोकोडाइल बर्ड एंटर्स द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल एंड फीड ऑन पैरासिटिक लीचेस। मतलब जो क्रोकोडाइल बर्ड है वो क्रोकोडाइल जब मुंह खोलता है तो उसके मुंह से पैरासाइटिक जो लीचेस वगैरह है उनको रिमूव कर लेता है, ठीक है। क्रोकोडाइल बर्ड है उसको खाना मिल जाता है और जो क्रोकोडाइल है उसको पैरासिटिक लीचेस से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया प्रोटोकोपरेशन हो गया। देन आपका है टिक बर्ड एंड राइनो। ऐसे ही आपका टिक बर्ड है वो राइनो से एक्टोपैरासाइट को रिमूव करता है, ठीक है। दूसरा आपका हर्मिट क्रैब है। हर्मिट क्रैब जो सी एनिमल के शेल के इनसाइड में सर्वाइव करता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोकोपरेशन। देन है आपका प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या होता है आपका, प्रिडेशन में पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है आपका इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। एक प्रिडेटर होता है जो किल करता है प्रे को एंड खाने के लिए प्रे पे डिपेंड करता है आपका। ये क्या आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। कैसे, अगर आपका प्रिडेटर सर्वाइव नहीं होगा, अगर प्रीडेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, तो आपका प्रीडेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो प्रे क्या है, प्रे एक्सपोनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका इकोलॉजिकल मेंटेनेंस है उसको रिग्रेड कर देगा ये, ठीक है। तो इसलिए ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है कि जो प्रीडेटर है वो जो आपके प्रे की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है उसको मेनटेन करके रखता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहता है आपका प्रे का। ये मेनटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी में हेल्प करता है, अभी जो मैंने बताया आपका, ठीक है। चलो फिर आपका पैरासिटिज्म। बिल्कुल पॉपुलेशन ऑफ प्रे को मेंटेन करने के लिए। देन आपका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म भी आपका कोई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है लाइक प्रिडेशन, लेकिन इसमें क्या होता है पैरासिटिज्म में एक पैरासाइट होता है एक होस्ट होता है। पैरासाइट बॉडी होती है स्मॉल एंड होस्ट जिसको इफेक्ट कर रहा है वो होता है आपका लार्ज बॉडी। लेकिन आपका जो प्रिडेशन था, प्रिडेशन में प्रिडेटर आपका लार्ज बॉडी था ठीक है। एंड आपका प्रे है, प्रीडेटर आपका बड़ा मतलब साइज में था, एंड आपका जो प्रे है वो स्मॉल साइज का था, ठीक है। स्वाति माँ मैम बिल्कुल दोनों में आपका प्रोटोकॉपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म दोनों में आपका बेनिफिट ही होगा। डिफरेंस कहाँ पे है आपका कि जो आपका प्रोटोकॉपरेशन है वो आपका होता है फैकल्टेटिव टाइप का, ठीक है, लेकिन म्यूचुअलिज्म क्या है आपका आपका ऑब्लिगेट टाइप का, ठीक है, ये डिफरेंस है बस। ओके, उसके बाद अगर हम पैरासिटिज्म के एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन लिवर फ्लूक, ठीक है, जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट डिपेंड करता है किस पे, स्नेल और फिश पे, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। दैन मलेरिया आपका, दैन आपका फ्लीज और टिक वगैरह जो डॉग्स पे होते हैं, कैट पे होते हैं, और लाइस वगैरह, ये सारे आपके पैरासिटिज्म के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने टाइप ऑफ पैरासाइट को तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एक्टो, सेकेंड इज एंडो एंड थर्ड इज ब्रूड, ठीक है। एक्टो मतलब आपका जो होस्ट बॉडी है उसके एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करता है ये, ठीक है, क्या करता है ब्लड को शक करता है, ठीक है। तो एग्जांपल आपका लाइस वगैरह, टिक, कोपेपोर्स वगैरह, पैरासिटिक प्लांट वगैरह, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्टो पैरासिटिक। देन आपका एंडो, एंडो मतलब दीज लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, दीज पैरासाइट्स लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है, और ये क्या करता है इंटरनल जो इंटरनल फंक्शन करते हैं, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो एग्जांपल है टेपवर्म, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम वगैरह ये सब। देन आपका ब्लड पैरासिटिज्म, ब्लड पैरासिटिज्म क्या होता है आपका कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में एग ले कर देता है, जैसे आपका कोयल का और क्रो का एग्जाम्पल है ना, ठीक है, कि क्रो क्या करता है कोयल के नेस्ट में अपने एग वगैरह को वहाँ पे छोड़ आता है, ठीक है, और जो कुको है वो अपने एग की तरह उनको हैच करती है फिर लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है ब्रूड का, ब्रूड पैरासिटिज्म का। देन है आपका अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म आपका नेगेटिव और जीरो टाइप का होता है, एक को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, एक को नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म हो रहा है। अभी कैसे लाइक कोई भी अगर हम ड्रग की बात करते हैं, जैसे पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन एक केमिकल सीक्रेट करता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है, पेन किलर लाइक होता है आपका जो, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो पेनिसिलिन को तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ना पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, तो ये आपका अमेंसलिज्म टाइप का इंट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही आपका एलिलोपैथी, एलिलोपैथी में क्या होते हैं सर्टेन प्लांट्स हैं वो एक सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल को रिलीज करते हैं, ठीक है, एक टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करते हैं जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। जुगलोन जैसे ब्लैक वालनट की बात करें, जुगलोन निगरा की, तो ये उस टाइप का ट्री है जो जुगलोन नाम का एक केमिकल सीक्रेट करता है जो दूसरे ट्रीज, शब, ग्रासेस वगैरह की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एल्गल ब्लूम भी है, एल्गल ब्लूम क्या करता है आपका कैन लीड टू द डेथ ऑफ मैनी स्पीसीज, जैसे जब एल्गी ग्रो करती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो वो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सनलाइट वगैरह वो पेंटेट नहीं कर पाता है एक्वेटिक बॉडी तक, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक फिश वगैरह उसकी डेथ हो जाती है आपकी, ठीक है, लेकिन एल्गल ब्लूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म। देन आपका कंपटीशन, कंपटीशन होता है मेनली बिटवीन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इन विच बोथ स्पीसीज आर हार्म, जहाँ पे दोनों स्पीसीज को हार्म हो रहा है। अभी आपके तीन टाइप का कंपटीशन होता है, फर्स्ट इज इंट्रा, सेकंड इज इंटर एंड थर्ड इज आपका इंटरफेरेंस। फर्स्ट है आपका इंट्रा, इंट्रा मतलब बिटवीन सेम स्पीसीज, अगर कंपटीशन हो रहा है आपका मेंबर्स के बीच में, सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, तो आपका इंट्रा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। देन है आपका इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है आपका, ठीक है। इंटरफेरेंस है, इसमें आपका जो रिसोर्सेज है वो अबंडेंट होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता, इनको क्या होता है एक दूसरे को इंटरफेयर करना है, ठीक है। इंटरफेरेंस में जो रिसोर्सेज है वो अबंडेंट है लेकिन फिर भी एक दूसरे को इंटरफेयर करना है, तो ये आपका इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। फिर है आपका एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म मतलब होता है सेल्फलेस, ठीक है, कि बिना अपना फ़ायदा देखे दूसरों की हेल्प करना, तो ये आपका एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का एग्जांपल बबून वाला है, ठीक है, जो बबून है दूसरे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स है उनकी हेल्प करता है, ठीक है, तो एल्ट्रुइज्म होगा सेल्फलेस किसी की हेल्प करना। उसके बाद क्वेश्चन है गाइस दो तीन, ये वाला आंसर करो इसका। mycorrhiza enhance plant nutrition mainly by, आंसर बताइए। क्या होगा गाइस इसका आंसर? बिल्कुल ओके, इसका आंसर है आपका एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। माइकोराइजा है प्लांट न्यूट्रिशन को कैसे इनहांस करता है, वाटर एंड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है गाइस। आशिका भाई सेकंड आएगा आंसर। यहाँ पे मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ग्रीन प्लांट एंड फंगस का, ठीक है, और ये क्या क्या फंक्शन करता है ये भी लिखा हुआ है मैंने। ओके तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसको। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स आर सिमिलर इन दैट बोथ कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय। बताइए आंसर। यस, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंट्रैक्शन होता है प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स के बीच में। तो आंसर क्या है आपका? सेकेंड, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइटिक में पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन। चलिए थर्ड बताइए, रिमूवल ऑफ डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम विल लीड टू। ओके तो इसमें कह रहा है रिमूवल ऑफ डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो गाइस डिकम्पोजर क्या करते हैं आपके? डिकम्पोजर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपके डिकम्पोजर्स को ही रिमूव कर दोगे तो आपका बायोकेमिकल साइक्लिंग में हेल्प कौन करेगा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को रिड्यूस कर हो जाएगा। अगर आपके डिकम्पोजर हैं वो रिमूव हो गए, रिड्यूस हो गए, तो आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कीजिए ये वाला क्वेश्चन भी क्या होगा। ओके तो गाइस काफी इजी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए ना मैच द फॉलोइंग में, तो उनको लिख लिया करो एक, ठीक है, एक सेपरेट नोटबुक बना के अलग अलग लिख लिया करो ताकि आपका ड्यूरिंग एग्जाम रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफ़ी पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो सबसे पहले क्या है गाइस? यस बिल्कुल, क्या आंसर आएगा इसका? आंसर है फोर्थ। कैसे? जैसे आपका बेसिलस है, बेसिलस क्या करता है आपका? अमोनिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिलस आपका क्या करता है? अमोनिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब आपका क्या बनाता है? नाइट्रोजन टू अमोनिया बनाता है आपका। देन है आपका एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम है वो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है आपका? आपका रिवर्स ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? रिवर्स ऑफ नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो आपका एग्रोबैक्टीरियम है वो आपका डीनाइट्रिफिकेशन करता है। थर्ड है आपका राइजोबियम। राइजोबियम आपका क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये राइजोबियम आपके रूट्स में होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। मेनली कहाँ पे होता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट है ना वहाँ पे वर्क करता है ये राइजोबियम आपका, ठीक है। तो ये हम आगे करेंगे जब बायोकेमिकल साइकिल्स वगैरह करेंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देन आपका थायोबेसिलस। थायोबेसिलस क्या करता है? थायो, थायो मीन्स क्या होता है आपका? सल्फर, ठीक है, सल्फर। तो ये क्या करता है? सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट करता है आपका थायोबेसिलस, ठीक है। तो इसलिए आपका थायोबेसिलस क्या हुआ आपका? थर्ड। राइजोबियम आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये देख लो आपका कौन से सीरीज में ये वाला आंसर है। ओके तो ये आपका फोर्थ आंसर। क्लियर गाइस? क्लियर हो गया सभी को? चलिए उसके बाद दो टर्म है गाइस आपकी, प्रीडेशन एंड हर्बीवोरी। प्रीडेशन क्या होता है आपका? वही अभी बताया मैंने, प्रीडेटर एंड प्रे की। एक होता है हर्बीवोरी। तो गैस हर्बीवोरी भी प्रीडेशन की ही तरह है। हर्बीवोरी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रीडेशन, लेकिन इसमें प्रे ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? प्लांट, ठीक है, इसमें प्रे ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट होता है हर्बीवोरी में आपका, ठीक है। एंड प्रीडेटर एंड प्रे है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, और साइज ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे है वो आपका क्या होता है, ऑफन गो अप एंड डाउन होते रहते हैं आपके, लिंक साइकिल वगैरह के साथ चलते चलते, ठीक है। तो प्रीडेटर एंड प्रे ऑफन हैव एडाप्टेशंस बेनिफिशियल फीचर्स अराइजिंग बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर हम बात करें हर्बीवोरी तो ये भी आपका प्रीडेशन की ही तरह होता है, बस डिफरेंस क्या है इसमें, आपका प्रे ऑर्गेनिज्म क्या है, आपका प्लांट, ठीक है, प्रे ऑर्गेनिज्म इज अ प्लांट। तो ये गाइज आपका जो कम्युनिटी इकोलॉजी है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। मेनली या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी से क्वेश्चन आते हैं या फिर इंट्रैक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। नो सातिमा, आपके जितने भी मॉडल्स वगैरह है वो आपके स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज में है लास्ट में, तो उस टाइम पे होगा आपका मॉडल्स वगैरह, ठीक है। तो गाइस अगर आप अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 2 कंप्लीट पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। एंड आप 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हो, ज्योति धैया मेरा रेफरल कोड है। चलिए गाइस ओके, अभी हम क्लास को एंड अप करते हैं। ओके, कम्युनिटी इकोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए ओके गाइस, बाय, टेक केयर।